दिल्ली में कचरे का ये माउंटेन जल रहा है। रीजन, हीट वेव। गर्मी इतनी ज्यादा है कि डायरेक्टली गर्मी की वजह से आग लग रही है। दिल्ली जैसे शहरों में दिन में 47 डिग्री टेम्परेचर हमें पिघला रहा है। पिछले 122 सालों में ये साल सबसे गर्म साल होने वाला है। सोचिए, अगर अप्रैल में ये हाल है तो मई और जून में क्या होगा? जब हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब पूरे देश में पावर कट्स हो रहे हैं। लेकिन क्यों? चलिए इस डुअल क्राइसिस को समझते हैं और सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हिस्ट्री में पहली बार भारत और पाकिस्तान दोनों एक बात पर अग्री कर सकते हैं कि गर्मी बहुत बड़ी। हीट वेव ने दोनों देशों को परेशान कर दिया। अब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेम्परेचर भारत और पाकिस्तान के कुछ शहरों में रिकॉर्ड हुए हैं और ये बात हम सबके लिए डेंजरस है। लेकिन हीट वेव होती क्या? जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री ज्यादा गर्मी होती है तब एक हीट वेव डिक्लेयर होता है। इस बार टेम्परेचर 6.5 डिग्री से ज्यादा है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में बार बार ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर हो रहा है। लेकिन 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? सह लेंगे थोड़ा सा। रॉन्ग। हीट वेव डेंजरस क्यों? पिछले 20 सालों में वर्ल्ड में 1,66,000 लोग हीट वेव की वजह से मरे हैं। शिकागो में 1995 में एक हीट वेव ने 692 लोगों की जान ली थी और 3,000 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे उनमें से 1/3 लोग हॉस्पिटलाइजेशन के बाद एक साल में गुजर गए। 2015 में भारत में भी ऐसी एक हीट वेव ने 2,500 लोगों की जान ली थी। हीट वेव कोई जोक नहीं। भारत में कई लोग कड़ी धूप में काम करते हैं और वो भी बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के। यूजुअली रात को टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी को एक मौका मिलता है कूल डाउन करने का, लेकिन एक हीट वेव के दौरान बॉडी कूल डाउन नहीं कर पाती क्योंकि रात को भी टेम्परेचर ज्यादा होता है। हीट वेव होती क्यों है? कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जियोग्राफिक फैक्टर्स, विंड, लैक ऑफ रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली मार्च के महीने में कुछ एरियाज में लाइट रेनफॉल होता है जिसकी वजह से एयर कूल डाउन होती है, लेकिन इस बार मार्च में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो आने वाले समय में हीट वेव्स बढ़ाने वाला है वो है क्लाइमेट चेंज। आज एक हीट वेव आने के चांसेस 30 गुना बढ़ गए। समर्स में हीट बढ़ने की वजह से हम एसी चलाते हैं, कूलर्स खरीदते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो होनी चाहिए। भारत में 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है। 10 में से 6 पावर प्लांट्स में कोल क्रिटिकली लो लेवल्स तक पहुंच गया है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते दुनिया भर में एक एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, जिसकी वजह से कोल के प्राइसेस जो यूजुअली $50 पर टन होते हैं वो अब $225 पर टन तक बढ़ गए हैं। सो बेसिकली हमारा देश इलेक्ट्रिसिटी के लिए पहले से 5 गुना ज्यादा पे कर रहा है। आज भारत पिछले 6 सालों में सबसे पावर कट्स फेस कर रहा है। गर्मी जब तक पसीने छुड़वा रही है तब तक ठीक है, लेकिन जब गर्मी ऐसे आग लगाती है तब बड़ा प्रॉब्लम। आज भी कई शहरों में वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए प्रॉपर रूल्स नहीं है। जब हम वेट वेस्ट जैसे बचा हुआ खाना, फल, सब्जी कचरे में बिना सेग्रीगेशन के फेंकते हैं तब ये चीजें मीथेन रिलीज करती हैं और तपता सूरज इस मीथेन को आग लगा देता है। हमारी और हमारी म्युनिसिपल बॉडीज की इनएक्शन की वजह से हमारा शहर जलता है और उसका धुआं फिर हमें ही खाने दौड़ता है। ऐसी ही कहानी आपने आपके शहर के बारे में आज या कल सुनी ही होगी। दिल्ली के फायर सिर्फ एक फायर नहीं, एक सिग्नल है, एक वेकअप कॉल है कि अब बातें करने का टाइम चला गया, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। सोचने जैसी बात है। आप और हम जैसे लोग प्रिविलेज हैं। हम एक बटन से एसी चलाते हैं, गर्मियों में हिल स्टेशन जाते हैं, अगर गर्मी ज्यादा हो तो नींबू पानी पीते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते? इंसानों का छोड़िए, उन पेड़ों का क्या जो पूरा दिन गर्मी में बिताते हैं? उन पंछियों का क्या जो गर्मी की वजह से उड़ नहीं पाते? क्लाइमेट चेंज सिर्फ दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, दरवाजा तोड़ कर अंदर आ रहा है। ये चार्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि आज तक क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है। यूरोप और अमेरिका ने जिस तरह पिछले सेंचुरी में पूरी दुनिया का इस्तेमाल किया है उसका भुगतान हम सबको आज देना पड़ रहा है। भारत जैसे कोस्टल देश पर जहां आज भी एग्रीकल्चर कई लोगों की रोजी रोटी है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और भी सीवियर होने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें क्लाइमेट चेंज को डिफीट करना ही होगा। क्लाइमेट चेंज ये शब्द सुनकर डर लगता है। ऐसे लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो वो सफिशिएंट कैसे होगा। थॉमस क्राउथर कहते हैं कि हर साल 120 गीगाटन कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और एग्जिस्टिंग पेड़ 120 गीगाटन कार्बन एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, यानी हमारी दुनिया एक परफेक्ट बैलेंस में है। लेकिन पिछले 200 सालों में हम ह्यूमंस ने 10 से 20 गीगाटन कार्बन एक्स्ट्रा एमिट करना स्टार्ट किया है। हमारे कार्स, इंडस्ट्रीज, फूड हैबिट्स, ये सारी बातें रिस्पॉन्सिबल है। असली प्रॉब्लम ये है कि इसे अब्सॉर्ब करने के लिए हमने कोई सोल्यूशन ढूंढा नहीं। ही थिंक्स वी नीड 1 trillion ट्रीज टू सेव द वर्ल्ड। क्योंकि ये पेड़ हमारा और हमारे फ्यूचर जनरेशन का कार्बन अब्सॉर्ब करते हैं। आप और मैं मिलकर शायद 1 trillion ट्रीज नहीं लगा सकते, लेकिन एक पेड़ तो लगा सकते। हम समर्स में आम खाते जरूर है लेकिन आम के पेड़ नहीं लगाते। नाउ यू कैन चेंज दैट। आपको पैसे नहीं,
सिर्फ ये गुठली देनी है। आम खाने के बाद इस गुठली को वॉश कीजिए, सनलाइट में ड्राई कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए एड्रेस पर भेज दीजिए। पिछले साल हमने शुभजीत सर के साथ मिलकर 8,000 से ज्यादा पेड़ लगाए, इस साल 1,00,000 आम के पेड़ लगाने का टारगेट है, जो आने वाली जनरेशन को हीट वेव से बचाने के लिए छाव और ढेर सारे आम देंगे। से अगर आप कुरियर नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत इनकन्वीनियंट है, तो नो प्रॉब्लम, आपके एरिया में ऐसे कोई प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज कीजिए। 1,00,000 पेड़, आई नो ये टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये वीडियो 1,000,000 लोगों तक पहुंचता है और 10 में से एक इंसान भी गुठलियां भेजता है, तो आई नो कि ये पॉसिबल है। वी नीड योर हेल्प, सो शेयर दिस वीडियो। एट द सेम टाइम हमें कंपोस्टिंग पर बात करनी ही होगी। पिछले 8 सालों से हम हमारे घर खाद बनाते हैं और ढेर सारा कचरा कचरे में जाने से बचाते हैं। इसकी प्रोसेस हम जल्द ही आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। क्लाइमेट चेंज इज रियल और उसके लिए कोई क्विक फिक्स नहीं है। हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा और हमारी अथॉरिटीज को सही सवाल पूछने होंगे। कोल बेस्ड पावर से दूर होना होगा और हसदेव जैसे फॉरेस्ट एरियाज में डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, ये उन्हें पूछना ही होगा। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।